Hit the subscribe button and click on the bell icon to stay updated with my channel. Hi, hello, namaskar, namaste, salam, walaikum, shashakal to everyone. Welcome to another episode of Rahul's Aquatic Vlogs. Guys, I hope you all are doing well. Fish keeping hobby mein kuch diseases aata hai machli ko. जो डिजीजेस का शायद एक्सप्लेनेशन हम लोग को ना मिले. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि वी डोंट अंडरस्टैंड वेदर वी आर व्हेन वी आर सीइंग द सिम्टम्स वी डोंट गेट लाइक वो सिम्टम्स भी है. सो इन दैट केस हम लोग को समझ में नहीं आता है कि कुछ हुआ है एक्चुअली मछली को. एंड वी स्टार्ट इग्नोरिंग. एंड लेटर ऑन अचानक से जब कुछ सीरियस होने लगता है वी फील कि क्या हुआ मछली को, अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है. एंड देन अनफॉर्चुनेटली विद इन सम टाइम द फिश डाइज. सो ऐसे ही एक डिजीज के बारे में आज बात करेंगे जो एक बहुत वाइटल डिजीज है. एंड दैट इज वेरी मच कॉमन इन सिक्लिड्स लाइक यू नो ऑस्कर्स, जियोफेगस एंड अदर सच सिक्लिड्स. ये है होल इन हेड डिजीज. होल इन हेड डिजीज इज ऑल्सो नोन एज फ्रेश वाटर हेड एंड लैटरल लाइन इरोशन. दिस डिजीज इज कॉज्ड बाई द पैरासाइट हेक्सामीटा. एंड हेक्सामीटा क्या करता है कि इट डैमेजेस द ऑर्गन्स ऑफ द फिश लाइक स्प्लीन हो या फिर किडनी हो, धीरे धीरे करके डैमेज करने लगता है. एज इट इज अ पैरासिटिक डिजीज सो शुरू में समझना बहुत मुश्किल होता है. सो अंदर अंदर से कैसे खराब कर दे रहा है मछली को वी वॉन्ट गेट टू नो. फर्स्ट सिम्टम जो दिखता है हम लोग को दैट इज सिर में यहाँ पे ऐसा छोटा छोटा होल आने लगता है. एक होल, फिर दो होल, फिर तीन होल, ऐसा आने लगता है. बट इनिशियली वी डोंट लाइक यू नो टेक इट सीरियसली. हम लोग को लगता है कि शायद किसी तरीके से हुआ है एंड वी डोंट टेक इट सीरियसली. बट यही जब होल बढ़ने लगता है देन थिंग्स स्टार्ट टू गेट वेरी सीरियस. यहाँ पे मेरा जो जियोफेगस टैंक है यहाँ पे मेरा जियोफेगस को होलिनेट हुआ था. And initially I couldn't notice that. I mean, there was my bad on my part ki main notice nahi kar paya. All of a sudden fish aisa ulta ho ke aisa ghumne laga. And at that point like I'm too late to save the fish. So this is generally what happens to lot of the hobbyists out there ki it goes unnoticed and us pe like you know dheere dheere machli khatam hone lagta hai. Now let me tell you something. Iska cause तो आपको एग्जैक्ट कॉज बता दिया. अभी ये जो हेक्सामीटा है ये डायरेक्टली मछली का इम्यूनिटी के साथ इसका कनेक्शन है. ठीक है, लाइक द वे वी टॉक अबाउट इक. इक जब होता है यू नो दैट इज रिलेटेड टू द इम्यूनिटी ऑफ द फिश. सो जब इम्यूनिटी कम हो जाता है देन धीरे धीरे इक दिखने लगता है. आई मेड अ प्रॉपर वीडियो ऑफ इट. इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज डू वॉच दैट वीडियो. You will get the concept of it very clear. As I've told you, it has direct connection with immunity. So, jo important hai, that is one of the factors is the composition of your water. Pani mein minerals hota hai, jo minerals bahut benefit karta hai aapka machli ko. Theek hai. And ye minerals ka absence mein, aapka machli ka jo zarurat padta hai, wo cheez miss ho jane pe, it affects the fish. So, ये जो हेक्सामीटा जब आने लगता है ठीक है ये पूरा मिनरल्स को खींच लेता है. एंड जब उसके इंटेस्टाइन वगैरह में चले जाता है या फिर एब्डोमिनल कैविटी में जब चले जाता है मछली के अंदर से ये हेक्सामीटा मिनरल्स को खींचने लगता है. एंड हेंस द फिश स्टार्ट्स बिकमिंग वीक. कहाँ से फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज तक पहुंच जाएगा ये डिजीज आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा. सो वाटर क्वालिटी, अभी वाटर क्वालिटी के बारे में बताता हूँ आपको कि इफ एनी स्ट्रेस फैक्टर इज एक्टिंग अपॉन द फिश लाइक वाटर का क्वालिटी शायद सही नहीं है आपका, शायद कुछ और मतलब कम्युनिटी वाइज शायद मछली स्ट्रेस में हो. तो मछली का इम्यूनिटी तब क्या होता है जब इट इज स्ट्रेस्ड और सम फैक्टर्स आर एक्टिंग अपॉन द फिश विच इज अनफेवरेबल फॉर द फिश. फिश का इम्यूनिटी तब कम हो जाता है. एंड कम होने के वजह से उसको ये पैरासाइट अटैक मतलब तब धीरे धीरे उसको और भी मैनिफेस्ट करने लगता है. हेंस आपका जो मछली है कहाँ से क्या हो जाएगा समझ में नहीं आएगा. धीरे धीरे होल्स भी आ जाएगा, होल्स से ऐसे मतलब वाइट स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा. एंड दैट पॉइंट इट बिकम्स वेरी सीरियस. ऑस्कर्स में देखा हो
सिर में मतलब बहुत गंदा तरीके से मतलब होल हो जाता है एंड इट लुक्स डिजास्ट्रस। एंड जब वो डिजास्ट्रस देखने लगता है देन पीपल स्टार्ट गेटिंग सीरियस कि ये क्या हो गया मेरा मछली को। आई वुड से लाइक कीप अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन ऑन योर फिशेस, क्योंकि ऐसा इनिशियल स्टेज पे ये ट्रीटमेंट किया गया देन इट वुड हेल्प अलॉट, मछली का रिकवरी का रेट भी बढ़ जाता है एंड यू नो देर इज अ हाई चांस ऑफ योर फिश टू बी सेव्ड, एल्स बचना मुश्किल, एकदम मुश्किल है, मतलब एकदम ही मुश्किल है। सो इसके ट्रीटमेंट के बारे में जल्दी बोलूँगा बट क्या क्या टेक केयर करने का है ये भी बता देता हूँ अभी। प्लीज़ मेंटेन योर वाटर एज मच एज पॉसिबल, एनी स्ट्रेस फैक्टर शुडन गो टू योर फिश, ठीक है, नॉर्मल वाटर चेंजेस हो या फिर जो भी हो एक्स्ट्रा, देखिए पैरासाइट ऐसा पैरासिटिक एक डिजीज़ जब होता है यू डोंट नो कहाँ से पैरासाइट आ रहा है, यू रियली डोंट नो, माइट बी कोई इन्फेक्टेड फिश आपका टैंक में नहीं ऐड हुआ है उधर से होने लगता है। एट दीज केसेस प्लीज़ आइसोलेट द अफेक्टेड फिश एंड ट्रीट इट एंड डू एज मच मैंने लाइक यू नो केयर फॉर द वाटर पैरामीटर्स एज मच एज पॉसिबल, नहीं तो कहाँ से कहाँ पैरासाइट आ जाएगा, ये इंटरनल पैरासिटिक इन्फेक्शन है, धीरे धीरे बाद में जब मछली मरता है फिर लाइक यू नो इट टोटली बिकम्स अ मेस। सो आई वुड से दैट सो वाटर पैरामीटर्स टेम्परेचर जो चीज़ अफेक्ट करता है मछली का स्ट्रेस लेवल्स को प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन दैट, दैट वुड हेल्प योर फिश अलॉट एंड कीप आउट ऑफ इट, ये सब डिजीज मतलब से दूर रहेगा तुम्हारा मछली। ट्रीटमेंट फॉर होल इन हेड डिजीज, हेक्सामीटर जो पैरासाइट होता है ये पानी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है पैरासाइट है बट अफेक्ट करता है मछली को व्हेन द फिश हैज़ रिड्यूस्ड इन इम्यूनिटी, उसका जब इम्यूनिटी कम हो जाता है, इट गोज इनटू द बॉडी वाया गिल्स वाया द फूड वट एवर इट्स ईटिंग अंदर जाता है, ठीक है। इसका कुछ स्टेजेस है होल इन हेड का, इनिशियल स्टेज में जब ये होना स्टार्ट होता है देन इट इज़ क्यूरेबल बट वंस इट स्टार्ट्स गेटिंग सीरियस this disease is very hard to cure, I would say it's not possible for the fish to survive later on, ठीक है बहुत serious हो जाता है। so I'll tell you जब उसका immunity कम हो जा रहा है and hence the parasite starts you know going into the body चला गया है वहाँ पर जाके धीरे धीरे stabilize हो रहा है then कुछ time बाद when as the time increases then क्या होता है वो reproductory phase में चले जाता है and it starts reproducing. Once it starts reproducing, the things goes into different parts of the body. Jab once it hits the brain, head wala portion pe jab chale jata hai, then you know the fish bahut 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 serious condition mein chale jata hai. In some fishes like Oscars etc., jab ye serious ho jata hai whole and head, then nerve ka effect karne lagta hai. Hence they are not stable at that time. वो एग्रेसिव हो जाता है, इट हार्म्स अदर फिशेस, इट डज एनीथिंग विच एवर लाइक कुछ भी करना स्टार्ट कर देता है, हेंस इट अफेक्ट्स अलॉट। सो हम बोलेंगे कि इनिशियल स्टेज पे इसको ट्रीट करो, हाउ टू ट्रीट इट विच आई एम गोना बी टेलिंग यू, यूज मेट्रोनिडाजोल जो मेट्रोजेल बोल के यहाँ पे इजीली मिलता है, ज़्यादा प्राइस नहीं है, स्टार्ट ट्रीटिंग इट बाई दैट, दैट विल हेल्प आउट विद द यू नो द पैरासाइट, वो पेट अंदर से क्लियर कर देता है, पूरा बाहर निकाल देगा, दैट टाइम क्या होता है मछली भी थोड़ा सा वीक हो जाता है एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन आने का बहुत चांसेस आ जाता है। सो इन दैट केस वी कैन बी यूजिंग अदर मेडिकेशंस लाइक कैनामाइसिन एंड फ्यूरम जो मिल जाता है। सो बहुत सारा मेडिसिन भी है जो इसके कंपोजिशन में भी आता है, डिफरेंट कंपनीज रेप्यूटेड कंपनीज भी डालता है, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट, बट बेसिकली ये सब कंपोजिशन उसके अंदर रहा सो दैट हेल्प्स इन ये सेकेंडरी इन्फेक्शंस आने से टू स्टॉप इट। ओके सो दिस इज द होल ट्रीटमेंट विच यू कैन यूज, चेंज कीजिए वाटर, यू नो लाइक नॉर्मल जैसे होता है एट दैट टाइम यू कांट फीड ड्यूरिंग द मेडिकेशन, खाना बंद कर देना पड़ता है, सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सम डेज, यू हैव टू कंटिन्यू, मतलब धीरे धीरे जब उसका इम्यूनिटी वापस आने लगेगा इट विल स्टार्ट फीलिंग गुड एंड एवरीथिंग विल बी रिस्टोर्ड। रिमेंबर न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन ऑफ अ फिश, क्या वो खा रहा है, सब कुछ उसको मिल रहा है कि नहीं, न्यूट्रिशन अगर मछली का अगर सही मिला बिलीव मी फिशेज विल बी हेल्दी, वाटर पैरामीटर शुड बी गुड, फिशेज शुड बी गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, हेल्दी होगा सब कुछ सही रहेगा, आधा दिक्कत वहाँ पर खत्म हो जा रहा है।
एंड आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन फिल्ट्रेशन ऑल्सो लाइक एक्सप्लेनिंग यू द नाइट्रोजन साइकिल एट्सेट्रा दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट. सो दिस इज द टोटल थिंग. ट्राई टू अवॉइड लाइक यू नो मतलब ये डिजीज अगर आ गया तो मतलब यू नो इट्स वेरी टफ. अगर सीरियस हो गया इट्स वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई इनिशियली, बट वंस यू सी एनी काइंड ऑफ सिम्टम, थोड़ा सा भी लीजर वगैरह आ गया या फिर थोड़ा सा होल वगैरह छोटा सा भी आ गया, आई एम शोइंग यू सम क्लिप्स ऑफ माई ओन जियोफेगस हैपनिंग, फटाक से कैसे मतलब इट बिकेम फ्रॉम नॉर्मल टू सीरियस. कुछ दिन दो दिन पहले खाना खा रहा था, एवरीथिंग वॉज गुड, से अचानक से इट जस्ट यू नो लाइक ऐसा घूमने लग रहा है पानी में ऐसा करके, इट्स जस्ट स्विमिंग अबाउट इन वाटर एंड आई न्यू लाइक द होल इन हेड ही हुआ था एंड it became much serious, so it is very hard for it to survive, but yeah, this is it. So hope you have all benefited from this video, and guys, if you have benefited from this video guys, then surely please hit the like button over there and share this video as much possible, because ye video bahut hobbyist ko chahiye, I know, because this is a problem which many hobbyists are facing, especially Oscar keepers, geophagus keepers jo cichlids mein ye sab hota hai, so this is much common and it is very much required. Guys, take care. Bye-bye. See you. Meet you in my next episode. Bye-bye.